अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गेहूँ का दलिया, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत आसानी से बन जाता है। टेस्टी होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गेहूँ का दलिया बनाने के लिए यहाँ मैंने हाफ कप दलिया लिया है। ये बारीक वाला दलिया है, आप चाहो तो मोटा वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, उसमें एक टेबल स्पून भर के देसी घी डालेंगे। इसको गर्म करके लेंगे। अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें दलिया डालेंगे। इसको 2 से 3 मिनट भून के लेंगे। 2 से 3 ही मिनट में ही अच्छे से भून जाता है। यहाँ दलिया अच्छे से भून गया है, इसकी स्मेल अच्छी सी आने लगे तभी समझ जाइएगा कि ये भून चुका हुआ है। गैस का फ्लेम एकदम लो करेंगे, उसके बाद इसमें 1 कप पानी धीरे धीरे डालेंगे। पानी मैंने इसमें पानी डाला तो ये देखिए अच्छे से फूल गया है। अब इसमें 1.5 कप दूध डालेंगे। मिक्स करके लेंगे अच्छे से और इसे गाढ़ा होने देंगे। उसी के साथ ही इसमें खजूर डाल देंगे। यहाँ मैंने 3 से 4 खजूर लिए, जिसे लंबे स्लाइस में कट करके लिया है। ये डाल देंगे, मिक्स करके लेंगे। थोड़े से बादाम डालेंगे। 2 से 3 मिनट अच्छे से पका के लेंगे सभी चीज़ों को। ये देखिए अच्छे से ये गाढ़ा होने लगा है। अब इसमें 1/4 कप शक्कर ऐड करेंगे। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हो। बस 1 मिनट के लिए इसको पका के लेंगे, फिर हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे। अब इसको सर्विंग बोल में निकाल के लेंगे। ऊपर से बारीक कटे हुए बादाम डालेंगे थोड़ा। तो इस हेल्दी रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। 1 टाइम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।